एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली बार्स कैफेज रेस्टोरेंट्स हेर इन इंडिया आधी से ज़्यादा कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक सपना ही है साला जिस भी कैफे में जाओ वहाँ पर कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेट कर ही देता है या तो लोग तुम्हें आंखों से देख देख के डिस्क्रिमिनेट कर देंगे तो मैं ऐसा फील होगा कि बस भाई मैं आ क्यों गया इस कैफे के अंदर मैं निकल रहा हूँ ठीक है या तो लोग मतलब इतने वर्बल तो हैं इतने वोकल तो हैं पता ये बदतमीजों से तो भरी पड़ी है कंट्री तो मुँह पर ही बोल देते हैं ई गाइज माई नेम इज़ निष्ठा बेरी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डिस्क्रिमिनेशन एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी इनका एक गहरा रिश्ता है गाइज तो यार इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि हमारी कंट्री में एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी के लोगों को हर दिन किन डिफिकल्टीज और कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर जब सामने से ऐसी कुछ यू नो टॉप शॉट कंपनीज आती है जो कहती है कि वी आर एलाइज वी आर एलाइज एंड यू नो वील सपोर्ट यू वील प्रमोट यू स्टफ़ लाइक दैट तो एक जो मोरल होता है ना कम्युनिटी का वो थोड़ा बूस्ट हो जाता है कि यार चलो कोई तो है एंड दीज कंपनीज देव मिलियंज एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो बहुत फ़र्क पड़ता है बट <laughs> क्या इस प्लेटफॉर्म का ठीक से इस्तेमाल होता है एंड क्या ये कम्पनीज़ सिर्फ बोलने के लिए बोलती हैं कि ये यू नो एलाइज हैं और ये कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क तो आज मैं बात करूंगी जोमैटो की बहुत बढ़िया कंपनी है एंड जोमैटो ने एक इनिशिएटिव लिया है अब उनके प्लेटफॉर्म पर लोग जाकर देख सकते हैं कि कौन से कैफ़ेज़ कौन से रेस्टोरेंट्स पब्स ये सब हैं जो एल फ्रेंडली हैं तो अकॉर्डिंग टू जोमैटो क्योंकि वो एक एल आई हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ताकि यू नो कम्युनिटी के लोगों को ऐसी प्लेसेस मिले ऐसी सेफ प्लेसेस मिले जहाँ पर वो जाकर अपने यू नो पार्टनर के साथ चिल कर सकें गुड मूव जोमैटो गुड मूव बट इसके बाद काफ़ी ख़बरें आने लगी ऐसी वैसी जिनको सुन करना मतलब यकीन सा नहीं हुआ मतलब ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ जोमेटो ने रजिस्टर किए हुए हैं अंडर एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली कैफेज़ एंड यू नो पब्स एंड रेस्टोरेंट्स जिन कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स पब्स को यू नो एल जी बी टी क्यू का मतलब भी नहीं पता तो मतलब जोमेटो क्या रिसर्च चल रही है आपकी एंड किस बेसिस पे आप इन uh, रेस्टोरेंट्स को इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं वो चीज़ थोड़ी समझ नहीं आती तो कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर एल कम्युनिटी के लोग ऐसे पब्स कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स में गए हैं और उनको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है इवन दो जोमैटो ने एंड गूगल ने बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यू नो दिस कैफ़े इज़ एल फ्रेंडली तो हाल ही में अभी एक इंसिडेंट हुआ है चेन्नई के अंदर एक बहुत फेमस पब है डैंक पब तो वो रजिस्टर्ड है जोमैटो में इट कम्स अंडर यू नो एल फ्रेंडली पब तो ऑफ़ कोर्स जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अगर यू नो समी हु बिलोंग्स टू दी एल जी बी टी की कम्यूनिटी और उनको कहीं अगर हैंग आउट करना है तो वो जोमेटो पर जाएंगे और देखेंगे कि उनके एरिया में कौन से ऐसे पब्स हैं कौन सी ऐसी यू नो कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स हैं जो एल जी बी टी की फ्रेंडली हैं अफकोर्स यार कोई भी इंसान जाता है अगर बाहर तो जलील होने तो जाता नहीं है ना एक मतलब इंसान जगह ढूंढ रहा है जा पे आराम से बैठ कर अपने पार्टनर के साथ या फिर अकेला भी वो मतलब खाए पिएए चिल करे और रिस्पेक्टफुली जाए रिस्पेक्टफुली घर अपने वापस आ जाए तो यहाँ पर एक शख्स है एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी का ही पार्ट है ये एंड इन्होंने वही चीज़ करी इन्होंने सर्च किया जाकर इनको लगा कि डैंक पब जो है चेन्नई के अंदर ये एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली है बिकॉज उस लिस्ट के अंदर मैंशनड है ये पब एंड ये चले गए अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर बट वहाँ पर उनके साथ फिर ट्रैजिडी हुई जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर बाउंसर्स ने पहले उनको रोक दिया वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे एंड जब उन्होंने पूछा कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है तो वहाँ पे बाउंसर्स ने बोल दिया कि यहाँ पे सिर्फ बॉय एंड गर्ल की एंट्री है बॉय बॉय नहीं ठीक है ओके okay. खड़े रहे खड़े रहे वहाँ पर बहुत लोगों ने एंट्री ली उसके बाद आते हैं पब के ओनर सामने से एंड वो बोलते हैं अपने एटीट्यूड में अलग ही एटीट्यूड में कि ये मेरा पब है मैं चलाता हूँ इसको और मेरी मर्ज़ी की मैं मतलब यू you नो know, किन किन लोगों को एंट्री दूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है एंड ही सिंपली रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिली जलील अलग से किया गया एंट्री नहीं मिली एंड ये लोग वापस अपने घर आ गए और घर पर आकर इन्होंने ये चीज ये इंसिडेंट शेयर किया जो कि वायरल हो गया तो बात यह है कि जोमैटो हेयर वी आर नॉट क्वेश्चनिंग यू इफ यू आर सेट दम्युनिटी एंड यू आर एन एल आई ओके द कम्युनिटी बिलीव्स यू बट देन किस बेसिस पे आप रिसर्च करके कैफेज रेस्टोरेंट्स एंड पब्स को एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली कैडर के अंदर आप डाल देते हो क्या रिसर्च है आपकी मतलब कोई अगर आपकी टीम से आकर इसके ऊपर एक मतलब छोटी सी वीडियो बना दे या कुछ एक्सप्लेनेशन दे दे या कुछ सो दैट वुड मीन अलाट टू द कम्युनिटी और ये बात नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते नहीं रहते आमतौर पे होते रहते हैं फर्क बस इतना है कि कुछ इंसिडेंट्स लाइमलाइट में आ जाते हैं कुछ लोग यू you नो know, सोच लेते हैं कि उनको रिपोर्ट ही नहीं करना एंड दे जस्ट लेट इट स्लाइड बट इससे रियलिटी चेंज नहीं होती और रियलिटी ये है कि वो कंपनीज़ जो अपने आप को कहती हैं कि वो यू नो कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं और फिर ऐसे ऐसा इनिशिएटिव लेती हैं तो उनका मतलब कुछ तो यार मतलब यू नो कम्युनिटी के टूवर्ड्स ड्यूटी um, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जस्ट बिकॉज किसी ने कैफे खोल दिया आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए एंड आपसे कुछ यू नो एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज़ मांग ली तो उसमें आपने पैकेज बना के इनको सब कुछ दे दिया एल क्यू फ्रेंडली ये फ्रेंडली वो फ्रेंडली भले ही उनको मतलब ही ना पता हो सो दैट इज़ काइंड ऑफ यू आर यू नो डिसीविंग द इंटायर कम्युनिटी एंड देट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग आई ट्राई टू रिपीट दिस लाइन इन एवरी सिंगल वन ऑफ माई विडियोज एंड देट इज़ दिस इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड एवरीबडी यू नो डिजर्वस टू लिव इन पीस तो यार एक होटल के अंदर अगर दो लड़के या दो लड़कियाँ जो एक दूसरे से प्यार करते हैं मतलब ऑफकोर्स वो वहाँ पर दिखा नहीं रहे कि वो प्यार करते हैं यू नो दे आर नॉट स्मूचिंग ईच अदर और किसिंग ईच अदर दे आर जस्ट देयर एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव लंच और डिनर विद देर पार्टनर तो क्या दिक्कत है और ऐसा भी मैंने सुना है कि बार्ज एंड पब्स के अंदर लेसबियन कपल्स या और टू वेमेन हु आर इन रिलेशनशिप इन लोगों को एंट्री ईजीली मिल जाती है एंड गे गाइज दे आर नॉट अलाउड सो दैट इज़ सेक्सिस्ट एंड अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए हर कस्टमर इक्वल होना चाहिए ऑल्सो जब इस इंसिडेंट से रिलेटेड इतना ज़्यादा हाइप बन गया सोशल मीडिया पर तब जाकर जोमेटो एंड गूगल ने एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली वो जो टैग है वो उस डैंग पब से रिमूव किया है एक्शन तो लिया है बट सिर्फ यू नो टैग रिमूव करने से कुछ कुछ होगा नहीं जिसकी बेइज्जती होनी थी उसकी तो हो गई और इसके साथ एक मैसेज भी मैं और देना चाहूँगी और वो ये है कि कुछ बहुत भोले लोग हैं कम्यूनिटी में से जो मतलब सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो जाकर यू you नो know, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने पार्टनर के साथ चिल करें खाना वाना खाए वापस आ जाएं तो वो लोग बड़े इनोसेंटली जाकर जोमेटो एंड गूगल पर सर्च करते हैं कि कौन से ऐसे ऐसे यू नो कैफ़ेज़ हैं जो एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली हो मत करो ये सब क्योंकि मोस्टली जो तुम्हें इन्फॉमेशन मिलेगी वो गलत मिलेगी क्योंकि काफ़ी सारे मतलब मैं अगर बोल रही हूँ काफ़ी सारे तो मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स पब्स एंड कैफ़ेज़ ऐसे हैं जो मतलब गलत तरीके से उस लिस्ट के अंदर एडेड हैं तो अगर आप दिल्ली में हो आई डोंट नो यार या तो कम्युनिटी से अगर हो तो थोड़ा अपनी अपनी सिटी में जाकर एक्सप्लोर करो कैफ़ेज़ को ख़ुद जाकर ठीक है एंड वीडियोज़ बनाओ अपनी तरफ से ट्राई करो आई एम इन डेली सो मैं यहाँ पर घूमती रहती हूँ और यहाँ पर मुझे पता है कि दो या तीन कैफेज़ ऐसे हैं जो कैफेज़ दैट आर इंटायरली लाइक डेडिकेटेड टू दी एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी एंड इनको चलाने वाले भी जो इनके ओनर हैं वो खुद भी मतलब एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी को ही बिलोंग करते हैं प्लस इसके अलावा और भी ऐसे कैफ़ेज़ हैं जो मतलब यू नो दे आर एक्चुअली लाइक रियली एल जी बी टी क्यू फ्रेंडली सो दैट्स इट आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो